नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत TG2 और लाइनमैन के कितने रिक्त पद हैं, यानी कितने पदों पर अभी वैकेंसी आना बाकी है और कितने पद अभी सृजित हुए हैं और कितने पद खाली हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक जेई के ऊपर यानी जेई के अंतर्गत कितने रिक्त पद हैं उससे संबंधित एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सिक्स की सर TG2 की कितनी वैकेंसी खाली हैं और लाइनमैन के कितने रिक्त पद हैं, तो उसके संबंध में भी एक वीडियो बनाई है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं कि UPPCL के अंतर्गत JEE के कितने रिक्त पद खाली हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका काफ़ी समय पुराना है, यानी ITI के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 28 फरवरी 2020 में ITI फाइल की गई थी, तो उसी से ITI का जवाब आया था। स्पीड पोस्ट श्री अमित कुमार राय, इन्होंने ITI फाइल की थी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, जो इसका विषय था, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी महोदय कृपया उपयुक्त विषय का दिनांक रहित आवेदन पत्र पंजीकृत संख्या 1996/2020 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके उक्त पत्र द्वारा वंचित सूचना उप सचिव उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ के पत्रांक 77 दिनांक 12 फरवरी 2020 द्वारा दो पृष्ठों में उपलब्ध कराई गई है, जो कि प्रेषित संगलन प्रेषित है। अन्य सूचनाओं के संबंध में कॉरपोरेशन के पत्रांक ये दिनांक 23 जनवरी 2020 द्वारा अन्य सूचना धारक इकाइयों को सूचना आवेदक पत्र आंतरित किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की है। अतः आपसे प्रामिस किया जाता है कि शेष संबंधित सूचना धारक इकाइयों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह आपके भवदीय विवेक कुमार अनुसचिव जनसूचना अधिकारी मुख्य। आगे जानते हैं इसका जवाब वहां से क्या क्या आया था और इन्होंने क्या क्या इसमें सवाल जवाब किए गए थे। तो दोस्तों, ये थे वो आपके विषय श्री अमित कुमार राय वाराणसी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी क्या क्या इनके सवाल थे और क्या क्या वहाँ से जवाब आया था। चलो चले फिर उसे देख लेते हैं। महोदय उपरोक्त विषय कृपया करके पत्रांक 200 सूचना के तहत उपलब्ध कराने हेतु अमित कुमार राय पता इनका यह दिया गया था, यानी इसके इनके सवाल थे। मांगी गई सूचना का पहला जो सवाल था ये था आपका UPPCL TG2 विद्युत या तकनीशियन लाइनमैन के रिक्त या स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, यानी सबसे पहला जो सवाल किया गया था इनका यह था, यानी कितने रिक्त पद खाली हैं UPPCL TG2 या लाइनमैन के। तो वहां से जवाब आया था UPPCL TG2 विद्युत तकनीशियन लाइनमैन के रिक्त या स्वीकृत पदों की संख्या दिनांक 1/4/2019 की जनशक्ति गणना अनुसार, यानी 1/4/2000 के अनुसार है। ये आपका तकनीशियन TG2 या लाइन के जो रिक्त स्वीकृत पद हैं वो आपके 6,841 पद हैं और रिक्त पद हैं आपके 4,166, ये आपके रिक्त पद हैं। और आगे देखते हैं, तकनीशियन TG2 विद्युत के 9,177 स्वीकृत पद हैं और जो खाली पद हैं वो आपके 405 पद थे। उसके बाद वैकेंसी आई आपकी TG2 की 608 पदों पर वैकेंसी भी आ गई है उसके पश्चात। और आगे देखते हैं और क्या क्या इन्होंने सवाल किए गए। और दोस्तों, इनका जो दूसरा सवाल था UPTCL यानी ट्रांसमिशन TG2 विद्युत या तकनीशियन लाइन के रिक्त पदों या स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो वहां से जवाब आया था ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन में स्वीकृत पद हैं वो 522 हैं और रिक्त पदों की संख्या आपकी
260 अभी भी रिक्त पद ट्रांसमिशन में खाली हैं। और तकनीशियन या TG2 विद्युत की बात करें तो 2935 पद हैं और आपके रिक्त जो पद हैं वो आपके 1063 ये रिक्त पद हैं। और जो तीसरा इनका क्वेश्चन था UPRVNL TG2 विद्युत के रिक्त या स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो इन्होंने इस पॉइंट के बारे में बिंदु उत्पादन विद्युत निगम से संबंधित है, यानी इन्होंने इससे मना कर दिया कि यह मतलब इनके जानकारी में नहीं है। चौथा जो पॉइंट रहा है दोस्तों UPPCL TG2 या UPTCL TG2 RVNL TG2 के रिक्त पदों पर वर्ष 2020 के विज्ञापन या भर्ती कब तक आएगी, तो इन्होंने ऐसा पूछा गया था तो इन्होंने बता दिया ये लागू नहीं है, यानी जन सूचना अधिकार 2005 नियम के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। और पांचवा क्वेश्चन जो ये था UPRVNL TG2 विद्युत के रिक्त पदों पर वर्ष 2015 के बाद अब तक भर्ती क्यों नहीं कराई गई है, यानी भर्ती न आने का क्या कारण है, तो उनका जवाब था यानी पहले ये भी इसमें लागू नहीं है, यानी इसकी सूचना इसके द्वारा आप नहीं मांग सकते हैं। तो दोस्तों विभाग में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी है लेकिन विभाग वैकेंसी निकालना नहीं चाहता है क्योंकि इलेक्शन के दौरान ज़्यादातर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। और बात करते हैं UPPCL TG2 608 वैकेंसी की, इसका एग्ज़ाम अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन होगा तो दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों रही बात वैकेंसियों की, तो वैकेंसी आने वाले समय में और भी वैकेंसी आएंगी, लाइनमैन की भी आएंगी और आपकी TG2 की वैकेंसी आपको चुनाव के आसपास या उससे पहले आपको देखने को अवश्य मिलेंगी, तो अपनी तैयारी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और रही बात परीक्षा की 608 वैकेंसी की, तो इसकी परीक्षा भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है, अभी तक विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन ज़्यादातर जो संभावना है परीक्षा की वो आपके नवंबर में आपकी इसकी परीक्षा करा ली जा सकती है। और जैसे ही विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और जो आपके वैकेंसी 4102 लाइनमैन के लिए हैशटैग का उपयोग किया जा रहा है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके डेली आपको ट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा उसके समय निकाल कर अपनी पढ़ाई से 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल कर आप इसमें 10 से 15 ट्वीट आपको डेली करने होंगे जिससे कि ट्रेंडिंग में आ जाए और आपकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट भी करते रहना है, आपको धरना वगैरह नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट होकर इस प्रकार की अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित रही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।